हेलो एवरी वन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाई अभिमन्यु आई एस एंड द क्लास ऑफ यू पी एस सी सीज है टूडे आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन में से हर बार एग्जाम के अंदर वन टू टू क्वेश्चन आपको मिलते हैं वन टू टू क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर एंड ईजी टॉपिक है आई होप अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हो देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके तो अभी आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन मेरे साथ में सभी ने कोशिश करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने की एंड आफ्टर दैट यू विल चेक हाँ जी कितने क्वेश्चन आप कर पाए हो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम टॉपिक्स को कर रहे हैं तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं क्या मेथड हमने यूज़ कर रहे हैं ओके okay? तो अब सबसे पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रही हूँ कि क्या टर्म्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो देखिए जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन इन दैट केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको फैमिली ट्री जनरेट करना आना चाहिए कि गिवन स्टेटमेंट के बेस्ड पे आप फैमिली ट्री जनरेट कर पाते हो अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है इन दैट केस यू कैन सोल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन ओके तो अब यहाँ पे देखिए जो टर्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो मेल के लिए अगर हमने अपने ब्लड रिलेशन के अंदर फैमिली ट्री में मेल को डिनोट करना है देन आई विल यूज स्केयर एंड फॉर फीमेल आई विल यूज सर्कल डन अब देखिए मेल फीमेल के बीच में जो रिलेशन आपने डिनोट करना है अगर अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैरिड कपल है इन दैट केस आपने रिलेशन डिनोट करना है कर्ड लाइन से अगर आपको इस तरह से कहीं पे भी कर्ड लाइन नजर आ रही है दैट मीन्स दे आर हस्बैंड वाइफ ओके अगर इनके बीच में आपको सिंगल लाइन है दैट मीन्स दे आर सिबलिंग्स सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर्स ओके तो सिबलिंग का रिलेशन हम डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से ठीक है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डिनोट करेंगे ड लाइन से डन अब सिबलिंग्स के अंदर सिस्टर सिस्टर हो सकता है आपके पास ब्रदर ब्रदर हो सकता है ब्रदर सिस्टर हो सकता है ठीक है तो जो भी आपके पास में सिब्लिंग्स है सिबलिंग्स का रिलेशन आप डिनोट करोगे बाय ए हॉरिजेंटल लाइन डन अब बात आती है कि हाँ जी हाईरेक कैसे रिलेट करेंगे तो जो अपर हाईरेक है उसको अपर लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ फादर और सन का रिलेशन हमने डिनोट करना है तो फादर ऑबियसली मेल फादर अब फादर के साथ में अगर मैंने सन का रिलेशन डिनोट करना है तो सन इज अगेन मेल सन अगर फादर डॉटर का रिलेशन हमने दिखाना है तो ये फादर है दिस इज डॉटर डॉटर मींस फीमेल ओके इसी तरह से अगर मुझे मदर और सन का रिलेशन डिनोट करना है लेट अस से ये मदर है और इसके साथ में इसका सन है डन मदर डॉटर का रिलेशन डिनोट करना है डॉटर डन अब जैसे अब यही अगर मेरे पास में यही आपके पास में आ, बन रहा है फैमिली ट्री तो उस केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज एस दिस इज एफ इन दैट केस अगर मैं कहती हूं कि वट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड ए और यू कैन से हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए तो उस केस में हम क्या बताएंगे हाँ जी एफ कैसे रिलेटेड है ए से एफ हाँ जी कैसे रिलेटेड है देखो ये अपर हाई रैके में चला गया ये इसकी मदर है ये इसकी मदर का फादर है दैट क्या हो गया इज ऑफ ए क्लियर तो अगर आपका ट्री बना हुआ है तो उसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास में एक पैराग्राफ uh, है टू टू थ्री स्टेटमेंट्स का एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टू थ्री क्वेश्चन इन योर एग्जाम तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है फैमिली ट्री डिजाइन करना है और उसके बाद में आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे अब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा देखो क्या जैसे इसमें लिखा ए इज सन ऑफ सी तो अभी मैंने क्या बताया सन का रिलेशन हमने कैसे डिनोट करना है ए सन है किसका सी का सन दैट मीन्स कि नीचे आएगा किसका सन है सी का बट अभी यहाँ से हमें पता नहीं चला कि सी क्या है फीमेल है या मेल है अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर पर्सन मेल है या फीमेल है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको या तो इन सर्कल करोगे या फिर इन इनस्कर कर दोगे ओके okay? अब उसने साथ में क्या कहा? वाई सी एंड क्यू आर सिस्टर्स सी एंड क्यू आर सिस्टर्स सिस्टर है दैट मीन्स कि इन दोनों का रिलेशन हमने ओरिजेंटल लाइन से डिनोट कर दिया अब उसके बाद कह रहे हैं टू वन अनदर जेड इज मदर ऑफ क्यू जेड इज मदर ऑफ क्यू अगर जेड मदर है क्यू की दैट मीनस जेड इज ऑल्सो मदर ऑफ सी डन इफ पी इज सन ऑफ जेड अब जेड जो है कह रहे है, इसका एक सन भी है सन है दैट मीन की दो इसकी ये क्यू और सी दोनों सिस्टर्स है इनका एक ब्रदर भी है कौन है वो जेड है सॉरी क्या है पी है ठीक है ना जेड इज मदर ऑफ क्यू P इज सन ऑफ Z. P यहाँ से क्या पता चला हमें Z का सन है सिंपल अब उसके बाद में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब अगर आपको पता है कि ये मेरे पास में ट्री है तो अब इसके बेस पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी मेरी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी अगर क्यो इज ग्रैंड फादर ऑफ ए अब यहाँ पे पहले तो ये देखो क्यो का ए के साथ में रिलेशन क्या है अब ये दोनों बहनें. मीन्स यहाँ पे जो क्यो है क्यो कौन है क्यू इज एज मदर सिस्टर एंड मदर सिस्टर को क्या कहते हैं मदर सिस्टर इज आंट दैट मींस बट इन दिस ऑप्शन क्लियर अब उसकी बात करें पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए पी मैटरनल अंकल है ए का तो यहाँ पे देखो ये क्या है सी सी इसकी ए की मदर है और पी कौन है उसका ब्रदर है एंड यू शुड नो दैट मदर्स ब्रदर हमारी जो माँ है माँ का भाई जो है वो क्या होगा हमारा मामा मामा को क्या बोलते हैं मैटरनल अंकल तो क्या आएगा मैटरनल अंकल दैट मीन पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए एंड इन दिस ऑप्शन क्या लिखा हुआ है पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए दैट मीनस दिस इज करेक्ट ओके सो आई होप सभी को क्लियर है वैसे तो आंसर आपका आ गया बट फिर भी एक बार दोनों मैं ऑप्शन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ क्या है पी इज कजन ऑफ ए

फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू सेकेंड एंड थर्ड ट्रू तो इसलिए आपको सभी ऑप्शंस चेक करने आनी चाहिए कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हो अब आप जब आपके पास फैमिली ट्री बन गया तो आप सभी को चेक कर सकते हो ठीक है ऑप्शन सी ओनली सेकेंड ट्रू ऑप्शन डी नन इज ट्रू तो इस तरह से आपको मिल सकता है तो आप क्या करोगे सेकेंडिस्ट्री क्लियर सो फैमिली ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड रिलेशन अगर आपको फैमिली ट्री आता है देन आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो ओके हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ए एंड बी आर मैरिड कपल अब देखो यहां से मुझे क्या पता चला ए और बी मैरिड कपल है तो अब बट मुझे ये नहीं पता कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है जैसे ही मैंने स्टेटमेंट रीड करी वैसे ही हमने उसको ऐसे डिनोट कर दिया ठीक है मैरिड कपल ए बींग मेल मेंबर ए मेल मेंबर जैसे उसने कहा मेल मेंबर है हमने उसको इंस्कयर कर दिया okay? इसका मतलब क्या है कि अगर ए मेल है तो बी क्या होगा ऑब्वियसली फीमेल होगा क्लियर अब साथ में क्या करें डी इज ओनली सन ऑफ सी डी इज ओनली सन ऑफ सी हू दैट मीन सी सी इज ब्रदर ऑफ ए इसका मीनिंग क्या है

सन है ओनली सन है कल्ला बेटा है बेटी तो हो सकती है ना सेकेंड बेटी हो सकती है ऐसे भी हो सकती एक बेटा एक बेटी है ना तो ओनली का मीनिंग क्या है कि ओनली सन की कह रहा है कि सन उसका एक है डर अब उसके बाद कह रहा है ई इज सिस्टर ऑफ डी हो गया हमारा अब कह रहा है बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ बी कौन है डॉटर इन लॉ है किसकी एफ की अब डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी दैट मीन्स कि जो बी है बी किसकी डॉटर इन लॉ होगी बी का जो हस्बैंड है बी का हस्बैंड है ठीक है उसकी मदर और फादर ठीक है उन दोनों की बी क्या होगी डॉटर इन लॉ होगी और यही उस तो उसने क्या बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ एफ की डॉटर इन लॉ है ठीक है डाइड इससे क्या पता चला कि ये क्या है फीमेल है इसका हस्बैंड नहीं है हस्बैंड नहीं है कि वो फीमेल है ठीक है सिंपल ये बन गया आपके पास में अब देखो क्वेश्चन क्या हाउ ई इज रिलेटेड टू सी ईसी e, से कैसे रिलेटेड है तो अब यहां पे देखो ये ई e है और ये सी है ई e, सी की क्या है डॉटर तो क्या आ गया आपके पास डॉटर अब सेम क्वेश्चन पे ही ये देखो स्टेटमेंट आर सेम अब इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन क्या है हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी एफ डी से कैसे रिलेटेड है तो अब यहाँ पे देखिए एफ कहां पे है आपके पास में ये है और ये डी है एफ कौन है यस yes. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कौन है हाँ जी ये कौन है फादर और फादर मदर को क्या कहते हैं मदर इन लो जो आपके पापा जी हैं आपके पापा जी की मदर को आप क्या कहोगे मदर इन लो तो ये यही तो कह रहे हैं कि ये डी का फादर और ये उसकी मदर है दैट मीन्स क्या हो गई? मदर इन लो सॉरी क्या हो गया आपके पास में ग्रैंड मदर हो गया क्या हो गया ग्रैंड मदर दादी जी है ना तो क्या कहेंगे हम इसको ग्रैंड मदर क्लियर क्विज के अंदर डाउट जी अदर क्वेश्चन करते हैं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि जो भी एस्पिरेंट्स सी सेट के लिए कंप्लीट कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो अभी पीडिया की तरफ से हम आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सी सेट जो भी एस्पिरेंट्स इस कोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं दे कैन जॉइन दिस कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे यूट्यूब में तो वहाँ पे आपके पास में लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो साथ में ही थ्री डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है जब आप फ्री ट्रायल लेते हो आफ्टर टेकिंग द फ्री ट्रायल यू कैन चेक टेन क्लासेस कोई भी टेन क्लासेस आप चूज करके उनका चेक कर सकते हो इसके अलावा आपका पूरा एक तरह से कोर्स का ब्लू आपके सामने आ जाएगा आपको पता चल जाएगा इस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या क्या लेक्चर्स हैं कैसे हैं ठीक है तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ओके अगर आपको लगता है कि हाँ जी आपको समझ आ रहा है मैं ये कह रही हूँ कि जो सी सेट है सी सेट ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि मैं आपका क्लियर करवा दूंगी बाकी टीचर नहीं करवा सकते बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको किस मेंटर से आपको समझ आ रहा है अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस कोर्स ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में क्या है ए फैमिली ऑफ टू जनरेशन अब देखो एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए आपको एक एक सिंगल सिंगल लाइन का तभी आप उसका ट्री बना पाओगे क्या कह रहा है ए फैमिली हैव टू जनरेशन दैट मींस कि जो पूरा फैमिली चार्ट आपको टू जनरेशन में कंप्लीट करना है ओके हैविंग सिक्स मेंबर्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड थ्री मेल्स थ्री फीमेल्स अब यहां पे भी ध्यान रखो क्या कह रहा है थ्री मेल्स हैं थ्री फीमेल्स हैं साथ में क्या है देयर आर टू मैरिड कपल्स दो मैरिड कपल्स हैं टू अनमैरिड सिब्लिंग्स दो अनमरि सिबलिंग्स है सिबलिंग्स मीन ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, हैं, हो हो सकते, brother, brother हो सकते है. Siblings है, okay? अब देखो एक सिंगल लाइन है ये कितना गुड मीनिंग निकल के आता है ये देखिए आप यस दिस इज वेरी टिपिकल देखो क्या कह रहा है. यू इज पीज डॉटर यू कौन है पी की डॉटर है यू डॉटर है किसकी पी की, P की. सिंपल अब यहाँ पे हमें पी का नहीं पता है कि पी इज मेल और फीमेल बट वी नो दैट यू इज डॉटर दैट मींस यू इज फीमेल अब साथ में क्या एंड इज़ मदर इन लॉ अब हमने सारा का सारा जो चार्ट है फैमिली चार्ट है वो किसमें दो जनरेशन में पूरा करना है दो जनरेशन में ही पूरा करना है और उसने यहाँ पे क्या कहा क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर इज आरस मदर इन लॉ है ना अब इसका मतलब क्या है कि जो ये पी है तो पी की वाइफ या अगर पी मेल है तो पी की वाइफ क्यों होगी अगर पी फीमेल है तो इसका हस्बैंड क्यों होगा तो इसने यही कहा क्यों इज आर्स मदर इन लो अब इससे मुझे क्या पता चल गया कि यहां पे जो क्यों है ठीक है वो मदर इन लो है दैट मीन्स कि ये मदर इन लो है तो ये फादर इन लो हो गया किसका आर्स मदर इन लो दैट मीन्स कि आर यहां पे कहीं आएगा दोबारा से एक बार बताती अब देखो जैसे कि आप अपनी फैमिली जब भी फैमिली ट्री के बना रहे हैं जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के कर रहे हैं देन ट्राई टू रिलेट इन योर फैमिली अब उसने यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन कही है क्यू इज आर्स मदर इन लॉ क्यू इज आर्स मदर इन लॉ इसका मतलब क्या है कि आर की मदर इन लॉ मीन्स की जो क्यो है क्यो का बेटा या बेटी क्यों का या तो बेटा है या तो बेटी है आर उसका लाइफ पार्टनर है अगर क्यों की बेटी है तो आर उसका हस्बैंड होगा अगर क्यों का बेटा है तो वो आर उसकी वाइफ होगी ठीक है तो यही कह रहे तो जो क्यों है क्यों का यहाँ पे कोई भी चाइल्ड होगा हमें नहीं पता ही सन और क्योज डॉटर बट वो आर का क्या है लाइफ पार्टनर है दे आर मैरिड कपल्स ओके इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि आप ऐसे भी कह सकते हो ये क्यों है तो ये क्यों का हस्बैंड होगा अगर ये क्यों का हस्बैंड जैसे ये क्यों है क्यों के डॉटर का है पी और क्यों की डॉटर कौन है यू है यू है तो आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि यू का हस्बैंड आर है बट आपको इसको अभी साथ में नोट डाउन करना है कि अभी आगे भी तो स्टेटमेंट है टोटल सिक्स मेंबर्स हैं ठीक है सभी को आपने डिनोट करना है अब देखो साथ में उसने क्या कहा टी इज अनमैरिड मेल क्या है अनमरिड मेल है अनमैरिड है देट कि हमने उसको एक साइड में रख दिया टी अनमेरिड मेल है अब देखो उसने कहा है कि तीन फीमेल होगी तीन मेल होंगे तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है भाई एक मेल ये हो गया एक मेल ये हो गया अगर मैं इसको मेल ले लेती ले हूं अगर मैं इसको मेल ले लेती हूं तो यहां पे क्या आएगी फीमेल अगर मैं इसको फीमेल ले लेती हूं तो यहां पे क्या आएगा मेल ठीक है और उसने क्या कहा साथ में एस इज मेल जो एक बंदा बच गया है आपकी फैमिली का वो क्या है मेल है मेल है कि अगर मैं इसको यू के साथ में कंसिडर करती हूँ कि ये दोनों मैरिड कपल हैं तो उस केस के अंदर फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास मेल हो जाएंगे चार मेल्स हो जाएंगे दैट मीन्स कि एस के लिए ऑप्शन क्या बचगी एस यहीं पे आएगा और वो मेल है एस मेल है तो यहां पे अपने पास में आर क्या हो गई फीमेल अब ये तो मैंने आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताया एक बार दोबारा से समझो क्या कह रहे हैं यू इज पीज डॉटर यू इज पीज डॉटर एंड क्यो इज आर्स मदर इन लो अब देखो यहां पे क्यू इज आर्स मदर इन लो क्यो क्यों का सन है एस और ये आर कौन है उसकी वाइफ है टी इज अनमेरिड मेल टी इज अनमेरिड मेल एस इज मेल एस इज मेल यू यू उसकी डॉटर है ये हमें पता ही है सिंपल अब हम आते क्वेश्चन की तरफ क्या करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कौन सा करेक्ट है अगेन जब इस तरह से ऑप्शन आ रही है तो यहाँ पे आपके पास में ऐसे भी आ सकता है दिस इज एंड ऑप्शन टू करेक्ट इस तरह से भी कुछ हो सकता है तो यहाँ पे जैसे इसने कहा आर इज यूज हसबेंड तो अब चेक करो आर इज यूज हसबेंड नो ये हमारे माइंड में आया था कि यू का हस्बैंड हो सकता है बट है नहीं हमने कंफर्म कर लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास में गलत है हमें पता है क्या है आर एस की वाइफ है अगला कह रहा है आर इज एस्ट वाइफ यस डेफिनेटली आर इज एस्ट वाइफ दैट मीन दिस इज करेक्ट अगला है एस इज अनिड एस इज मैरिड विद आर सो आंसर क्या हो गया आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट डन नेक्स्ट देखिए हाउ आर इज रिलेटेड टू यू आर यू से कैसे रिलेटेड है हां जी आर यू से कैसे रिलेटेड है अब ये आर और यू के बीच में रिलेशन देखो ये एस यू का ब्रदर है एस यू का ब्रदर है और आर उसकी वाइफ है एक दिन तरह से ननद और भाभी का रिश्ता हो गया अगर हम कहेंगे कि यू इज रिलेटेड टू आर तो भी हम क्या कहेंगे सिस्टर इन लो हाउ आर इज रिलेटेड टू यू अगेन सिस्टर इन लो दोनों केसेस में क्या बनेगा सिस्टर इन लो तो आंसर आ गया आपके पास में सिस्टर इन लो ओके हाउ आर इज रिलेटेड टू यू आर इज सिस्टर इन लॉ ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पे question, पे पे स्क्रीन स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है क्वेश्चन ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेवन मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेवन मेंबर्स हैं ओके विद थ्री फीमेल्स अब साथ में क्या कह उसमें क्या है तीन फीमेल हैं जी इज ए विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर अब देखो यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर काफी कुछ कहा गया है क्या कह रहा है आपको फैमिली ट्री बनाना पहले एक बार ट्राई करेंगे सभी हां जी सभी ट्राई करो एक बार फैमिली ट्री बनाएंगे सभी विडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी हां जी देखिए क्या ट्री बनेगा अब यहाँ पे उसने क्या क्या सेवन मेंबर्स हैं और यहाँ पे एक सिंगल सी लाइन कही है ए यहाँ पे क्या कह रहा है जी इज ए विडो दैट मीन्स कि ये जी जो है वो क्या है एक फीमेल है एंड इफ जी इज ए विडो दैट मीन्स हर हजबेंड इज नॉट तो बट हजबेंड यहाँ पे क्या कहें हम इसको ब्लैंक तो छोड़ सकते हैं ठीक है थीके? अब ये जो इसका हस्बैंड है उसने क्या कहा इट्स सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ डी के फादर एफ़ की सिस्टर इन लाइ दैट मीन्स की डी के फादर की भाभी है दैट मीन्स की जो जी का हजबेंड है वो डी के फादर एफ का भाई है ठीक है तो डी के फादर का जो डी है ये डी है और ये डी का फादर है डी का फादर कौन है एफ़ ये उसका भाई था सिंपल सी बात है अब ये उसका भाई था दैट मीन्स कि जी कौन है एफ की सिस्टर इन है पहले इस लाइन का मीनिंग समझो इस सिंगल लाइन के अंदर ही आपका पूरे का पूरा है देखो कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोबारा से बताती हूँ कहते हैं जी इज ए विडो जी विडो है एंड इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर डी के फादर की सिस्टर इन लॉ है दैट मींस जो जी का हस्बैंड था ही वाज ब्रदर ऑफ एफ ओके और एफ कौन है ठीक है फादर है सिंपल अब आगे देखिए क्या है बी एंड डी आर सिबलिंग्स बी और डी सिबलिंग्स है दैट मीनस कि यहां पे बी और डी दोनों सिबलिंग्स है सेम हम उसमें उसको डिनोट करेंगे उसके बाद कह रहा है ए इज डॉटर ऑफ बी ए इज डॉटर ऑफ बी यहां पे उसने क्या कहा ए डॉटर है बी की इन सर्कल कर देंगे सी इज कजन ऑफ बी सी इज कजन ऑफ बी अब जो सी है वो बी का कजन है सी बी का कजन तो अब देखिए अगर हम बात करें कजन की तो ये यहाँ पे आ जाएगी अब उस बट हमें यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि सी क्या है फीमेल है या मेल है कजन कजन मीन्स क्या हो गया एक तरह से कि रियल ब्रदर सिस्टर का रिलेशन नहीं है हमारे चाचे ताए के जो बेटे होते हैं हमारे मामा मामी के बेटे होते हैं ठीक है तो वो मामा मौसी के बेटे बेटी होते हैं तो वो हमारे कजन हैं तो हैं तो वो सेम देखो ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेम के अंदर सेम जनरेशन के अंदर नजर आएंगे बट यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये था है ना तो यहाँ पे ये एफ का जो डी है डी के फादर का ब्रदर है तो ये उनके बच्ची है तो यहाँ पे क्या हो गया सेम जनरेशन के अंदर आएगा तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर वो कज़न है तो जी का चाइल्ड है जी का चाइल्ड बट वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ओके अब उसने यहाँ पे एक पॉइंट और कहा है सीज कजन ऑफ भी हो गया आपके पास में अब एक पॉइंट यहाँ से देखो कि हमारे पास में उसने क्या कहा था कि थ्री फीमेल्स है थ्री फीमेल्स है और फीमेल फैमिली के अंदर कौन है ए बी सी डी ई एफ जी है अब हमारे पास में ए हो गया बी सी डी ई रह गया तो ई e कहाँ पे आएगा अब जब ये फैमिली के अंदर बात कर रहा है तो ई e कहाँ पे आएगा ऑब्वियसली इसकी वाइफ कौन होगी ई e? तो यहाँ पे जो ई e रह गया वो ई e कहाँ पे आ जाएगा ई इज वाइफ ऑफ एफ क्योंकि उसने यहां पे कह दिया क्या कि जी इज ए विडो दैट मीन्स कि इसके साथ में इसके हस्बैंड का हमें नहीं पता बट जब हम इसकी बात कर रहे तो जो रिमेनिंग पर्सन है दैट इज वाइफ ऑफ दिस दैट मीन्स कि दिस इज अ कपल है ना तो ये अपने पास में आ गया अब यहाँ पे मेरे पास थ्री फीमेल्स पहले से ही होगी एक दो और तीन रिमेनिंग क्या है? Male है. अब मैं को है नहीं एक सिंगल क्वेश्चन कर रहा है मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आपको पूरा पूरा फैमिली ट्रिप आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है ना तो अब जैसे यहाँ पे उसने कहा हुई ई e? e कौन है तो ई e कौन है देखो यस वाइफ ऑफ एफ वाइफ ऑफ एफ बिल्कुल करेक्ट है ग्रैंड मदर ऑफ ए तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये कौन है यस yes. ई e का बेटा डी और डी की बेटी ए दैट मीन्स की क्या हो गया ग्रैंड मदर बिल्कुल करेक्ट है आंट ऑफ सी ई इज आंट ऑफ सी अब यहाँ पे देखो ये कौन है आंट ऑफ सी है बिल्कुल उसके चा चाची या ताई होगी तो वो क्या होगी आंट कहलाएगी तो क्या हो गया आंट ऑफ सी दैट मीन्स की सारे के सारे करेक्ट है तो हम क्या कहेंगे वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट डन आगे देखिए कह रहा हाउ जी इज रिलेटेड टू सी जी सी से कैसे रिलेटेड है तो अब यहां पे देखेंगे जी कौन है जी इज मदर ऑफ सी तो क्या आ जाएगा मदर ऑफ सी हाउ पी इज रिलेटेड टू अच्छा ये नेक्स्ट आ गया आपके पास हाँ जी वो कंप्लीट हो गया दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हम इसका सबसे पहले फैमिली ट्री तैयार करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल आंसर द क्वेश्चन है ना तो यहां पे देखो क्या है टी इज सिस्टर ऑफ डी टी इज सिस्टर ऑफ डी डायरेक्टली गिवन है क्या लिखोगे टी इज सिस्टर ऑफ डी डी इज मैरिड टू पी डी इज मैरिड टू पी जब तक मुझे जेंडर नहीं पता तब तक डायरेक्टली लिखते जाओगे बाद में कह रहा है पी इज सन ऑफ एम पी इज सन ऑफ एम दैट मीन्स पी इज मेल एंड ही इज सन ऑफ एम एम का सन है तो यहाँ पे देखो अगर ये मेल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया दिस इज फीमेल यहां से मुझे देखो इस लाइन से क्या पता चला पी इज सन ऑफ एम और पी क्या है सन है दैट मीन्स पी इज मेल एंड इफ पी इज मेल दैट मीन्स की उसका जो लाइफ पार्टनर है वो क्या होगी फीमेल अब आगे देखो क्या है यहाँ पे टी इज मदर ऑफ जे अब यहाँ पे टी और जे का जिक्र हो रहा है अब देखो यहाँ पे कहीं पे टी और जे नजर आ रहा है आपको नहीं आ रहा दैट मीन्स की फॉर द टाइमिंग हम इसको छोड़ देंगे आगे देखो वी इज फादर ऑफ यू वी और ये भी नहीं पता चल रहा आगे बढ़ते हैं अब देखो वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर वाई हमारे ट्री में नहीं है फॉर द टाइमिंग इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन पे पहुंचते हैं कह यू इज डॉटर ऑफ टी यू इज डॉटर ऑफ टी देखो कि दोनों के दोनों पर्सन के अंदर कोई भी एक पर्सन मेरा ट्री में है तो उसके साथ में उसको रिलेट कर देंगे तो उसने यहाँ पे क्या कहा यू इज डॉटर ऑफ टी यू इज डॉटर ऑफ टी क्लियर अब देखिए यहां से जैसे ही मुझे पता चला यू इज डॉटर ऑफ टी तो यहां से हमारे पास में यू वाली लाइन को हमने स्किप किया था अब हम इस पर दोबारा से जाते हैं क्या कहा था उसने वाई इज फादर ऑफ यू वाई इज फादर ऑफ यू स की टी की भी डॉटर है वाई की भी डॉटर है यू इज डॉटर ऑफ टी एंड एंडफ तो यहाँ पे वाई कौन हो गया सिंपल अब उसके बाद में यहां पर लाइन थी वाई हैजन सन एंड वन डॉटर उसका एक सन है और एक डॉटर है दैट मीन्स की इन दोनों की वाई एंड टी की एक डोटर है और एक क्या होगा एक सन भी होगा एंड वी डोट नो अबाउट दन आगे क्या है क्यू इज द सन ऑफ डी क्यू इज यू इज डॉटर ऑफ टी उसके बाद में क्या कह रहा है वाई हैज वन सन एंड ओनली वन डॉटर वाई की एक डॉटर है और एक सन है यू इज डॉटर ऑफ टी यू इज डॉटर ऑफ टी क्यू इज द सन ऑफ डी क्यों कौन है सन है डी का क्यू इज सन ऑफ डी क्लियर हाँ जी यहां तक किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो अब देखिए एक लाइन हमने और स्किप की थी देखो कौन सी करी थी पी इज सन ऑफ एम पी इज सन ऑफ एम ये हो गया था हमारा हाँ जी डी इज मैरिड टू कौन सी लाइन थी टी इज मदर ऑफ जे टी इज मदर ऑफ जे तो यहाँ पे टी इज मदर टी कहाँ पे आ जाएगा टी इज जे मदर क्लियर तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि टी की मदर टी जो है वो किसकी मदर है जे की तो अब ये आपका ट्री कंप्लीट है हाँ जी ट्री कंप्लीट है अब बट इसके अंदर देखो क्या हम एम का जेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं देखो कहीं पे भी गिवन नहीं है क्योंकि जब हम एम की बात कर रहे हैं तो उसने यहाँ पे क्या कहा जस्ट पी सन ऑफ एम और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है ना यहाँ पे ये यह बताया गया कि कितनी फीमेल से 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 कितने मेल से, कि एम का जेंडर नहीं मिल सकता है हाँ ना तो कोई बात नहीं अब अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्या था हाउ इज पी रिलेटेड टू टी पी कैसे रिलेटेड है टी से अब ये पी है और ये टी है ठीक है अब ये दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ है और ये क्या है आपके पास में डी की सिस्टर है तो उसने कहा कि पी कैसे रिलेट करेगा तो पी कौन हो गया सिस्टर्स हस्बैंड सिस्टर्स हस्बैंड और सिस्टर्स हस्बैंड क्या होता है ब्रदर इन लॉ सो क्या आ जाएगा ब्रदर इन लॉ साथ में कह रहा हाउ जे इज रिलेटेड टू जे डी जे और डी का रिलेशन बताना जे इज रिलेटेड टू डी जे कैसे रिलेटेड है अब ये देखो ये जे कौन है जे इसकी बहन का बेटा है सिस्टर्स सन सिस्टर्स सन कौन होता है सिस्टर्स सन नेफ्यू सो क्या आ जाएगा आपके पास नेफ्यू क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू अगर कि अगर एम वाइफ है किसकी डब्ल्यू की डब्ल्यू की वाइफ है तो यहां से अब हमें जेंडर पता चल गया हाँ जी यहाँ से अब हमें जेंडर पता चल गया तो उसने क्या कहा इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू तो बताओ क्यू कैसे रिलेट करेगा डब्ल्यू से तो ये क्यू है ये डब्ल्यू से कैसे रिलेट करेगा यस yes. तो अब यहाँ पे देखिए ये जो डब्ल्यू है डब्ल्यू और एम का बेटा कौन पी और पी का बेटा क्यू दैट मीन्स क्यू इज क्यू कैसे रिलेट करेगा क्यू इज ग्रैंड सन ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यों तो क्या आ गया आपके पास में यस yes. क्या आ जाएगा आपके पास में दिस इज ग्रैंड सन पता चला देखो उसने कहा हाउ क्यू इज रिलेटेड टू डब्ल्यू ये क्यों है क्यों क्या हो गया डब्ल्यू का ग्रैंड सन और डब्ल्यू क्या हो गया ग्रैंड फादर इस बात का भी ध्यान रखना आपको क्वेश्चन के अंदर कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया अब उसने क्या कहा डब्ल्यू तो हम क्या कहेंगे क्यो इज ग्रैंड अगर होता हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू क्यू तो हम क्या कहते हैं ग्रैंड फादर क्लियर सो आई होप अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है कर लेंगे सभी हाँ जी सभी कर लेंगे सो so, इट वॉज ऑल फॉर टूडे आज के क्लास के अंदर ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ में डिस्कस किए अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में कुछ समझ आया है कुछ समझ आया है दिस इज़ यूजफुल टू यू देन यू विल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे सो दैट की जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सो so, थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में